अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा नया ब्लॉग है और इस वक्त हम सेवन ब्रदर्स पे आए हुए हैं। नया ब्लॉग है टोयोटा क्रिस्टिडा RX70 जैसे आप कह लें RX71 और 2 आया है, तो उसके रिगार्डिंग है। अभी आपको गाड़ी दिखाते हैं। गाड़ी हमारे पास पहले से काफ़ी, कुछ दोस्त हैं उनको पता है कि ये गाड़ी हमारे पास है। अभी खैर दिखाते हैं आपको गाड़ी किस लिए आई हुई है। बाद में इसका प्रॉपर रिव्यू वगैरह भी कर लेंगे, पर ये कि अभी फ़िलहाल जो काम हो रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जी तो आपको गाड़ी दिखाते हैं। ये है टोयोटा क्रिस्टिडा स्टेशन वैगन, और मॉडल के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो 85 से लेके 91 तक इसकी जो है प्रोडक्शन रही है। 91 काफ़ी लोग उससे डिसएग्री करेंगे, पर वैगन में आया है। इवन के क्राउन में भी जो है लेट एंड्स तक आई है स्टेशन वैगन। तो ये अगर आप गूगल कर लें तो आपको थोड़ा उस पर कन्फर्म भी हो जाएगा। कन्फर्मेशन अगर करना चाहें गूगल कर सकते हैं। इसके अलावा अभी इसकी टेल लाइट्स हमने उतारी भी है। गाड़ी इस्लामाबाद नंबर है और ये 2014 की आर्मी ऑक्शन है। बैक एंड की तरफ आते हैं। वेरियंट के हिसाब से अगर हम बात करें, एक्सेल है, एक्स्ट्रा लार्ज आप कह लें पर ऑल दो ये एक्सेल है। इसमें डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स आते हैं। एक्सेल में भी डिफरेंट टाइप्स आई हैं और मॉडल के हिसाब से कुछ ट्रंक्स ऐसी आई हैं जिसमें डबल वाइपर नहीं है। ये डबल वाइपर है, वाइपर इसमें स्टील वाले आते हैं। हमने क्योंकि चेंज करके नए मॉडल का थोड़ा लुक देने के लिए प्लास्टिक के लगा दिए हुए। इसमें आपको ऊपर वॉशर भी मिल जाता है। इसके अलावा जो है कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसकी ट्रंक पे भी मोल्डिंग्स आती हैं, जैसे कि आप साइड पे देख रहे हैं मोल्डिंग्स हैं उस तरह की, बिल्कुल ट्रंक पे भी मोल्डिंग्स आती हैं। इसके अलावा टोटली स्टॉक्स यानी कि जिस तरह आती है वैसे उसी तरह की लुक है। साइड से अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको एक पिक पोल मिल जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं, तो फिर एयर के हिसाब से और वेरियंट के हिसाब से वेरी करते हुए ये जो पिलर का आपको क्रोम ट्रिम नज़र आ रहा है उसमें डिफरेंस आता है। कुछ में सीधी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, कुछ में कर्व्स होते हैं और कुछ इस तरह के वेंट्स बने हुए होते हैं। इसके अलावा जी ये डबल टोन नहीं थी, ये बाद में डबल टोन की गई हुई है। गाड़ी के रूफ़ और इनर और पिलर्स वगैरह टोटल जेन्युइन पेंट में है। साइड शावर हुई हुई है। इसके अलावा जी इसमें जो बैक हिस्सा लगा हुआ है ये देख सकते हैं आप। बैक हिस्सा तकरीबन काफ़ी मिलता जुलता है टोयोटा टाउनस और लाइटस से। इसके अलावा हमने इसको खोला हुआ था क्योंकि हमने इसके ब्रेक पैड्स ब्रांड न्यू लगाए हैं, वो अभी आपको दिखा देते हैं। लड़के को बोलते हैं इसको ड्रम को खोलें। इसके अलावा इसके ओरिजिनल टोयोटा के मैट्स लगे हुए हैं जो कि अपने ओरिजिनल आते हैं। साइड में क्रोम की मोल्डिंग आ जाती है, क्रोम का टच है यानी गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा। इंजन आपको दिखाते हैं, इसमें पेट्रोल है और ये 22R इंजन इसको कहते हैं। चेसिस के हवाले से हम बात करते हैं तो ये चेसिस पे RX72 है। कुछ भाइयों को इस हवाले से नहीं पता होता कि वो आगे चेसिस पे जो है रंग उतारा हुआ होता है, तो बेसिकली ये रंग इसलिए उतरा हुआ होता है, जो भी पाकिस्तान में लीगल गाड़ी ऑक्शन होती है किसी भी महकमे से, तो ये जो है गवर्नमेंट का रूल है कि आपको लेबॉर्टरी ज़रूर करनी पड़ती है ताकि उसमें सेफ्टी रहती, गाड़ी टेम्पर्ड ना हो, इस टाइप का मसला ना हो। तो ये सेफ्टी पर्पज़ ये एक प्रिकॉशन आप कह लें उसके हिसाब से। रूम के हिसाब से अगर हम बात करें, गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्पेस है। आप V8 रख लो, 2JZ रख लो, कोई भी इंजन इसमें स्वैप कर सकते हैं बहुत ईजीली। फ्रंट एंड पर इतनी ज़्यादा जगह है कि आप फ्रंट माउंट इंटरकूलर रखें आराम से, आपको किसी स्पेस की ज़रूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा। यहाँ पे देखें ना, अच्छा खासा गैप है, पूरा हाथ आ जाता है। इसके अलावा जो है इसमें ओरिजिनली क्योंकि इतना बड़ा बोनट है तो इसमें हुड डैम्पर्स कंपनी से ही आते हैं, मगर ज़्यादातर ख़राब ही होते हैं। मसला ये है क्योंकि बहुत हैवी इसका हुड है और काफ़ी बड़ा है। खाते हैं आपको हमने इसका काम क्या करवाना है। एक तो इसके स्टेयरिंग का जो क्रॉस है वो सामने आपको रॉड नज़र आ रही होगी, उसके अंदर प्ले है। इसके अलावा जी यहाँ पे आपको अगर ये रॉड नज़र आ रही हो नीचे, वो जंपर रॉड कहते हैं जिसको हम, उसके बुश ख़त्म है। इसके कार्बोरेटर की सेटिंग होनी थी, वो हैरी भाई ने कर दी है। गाड़ी जो है थोड़ा वैक्यूम उसका ठीक नहीं था और
बंद बंद चल रही थी घुटी घुटी, तो वो हरी भाई ने ज़बरदस्त कर दिए। कार्बोरेटर का काम हम कर चुके हैं, उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था इसलिए आपको दिखाया रही। अभी हम इसका ड्रम खोल रहे हैं कवर, ये आप देख सकते हैं इसमें अभी हमने ब्रांड न्यू इसके ब्रेक पैड्स डाले हैं, MK ब्लू अर्थ के हैं और ये जैपनीज ब्रांड आप कह सकते हैं, अच्छी इसकी है, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रेक पैड्स इसके। 3200-3500 के राउंड अबाउट हमें ये मिले हैं, ब्रांड न्यू लगा दो कवर। तो ये चीज़ थी एक हमने की है। इसके अलावा हमने इसकी ब्रेक टेल लाइट्स उतारी हुई हैं। इसकी जो टेल लाइट्स हैं वो मैंने बड़ा ढूंढ के ली थी, वो क्रिस्टल हैं टोटली, यानी कि वाइट है, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे थोड़ा ट्रेंड इन हुआ हुआ है, वाइट ग्लास की पूरी आती है टेल लाइट, वो बाद में आपको दिखाते हैं। उसका क्रोम ख़राब हो गया हुआ था और अंदर से हमने लाइट खोल दी थी। असल में ये पहले आया करती थी लाइट्स, तो इसमें होते थे ब्रेक के लिए रेड बल्ब, अब इंडिकेटर के लिए तो है, पार्किंग के लिए येलो आपका ठीक है, रिवर्स के लिए यानी कि येलो लगा हुआ है, ब्रेक के लिए हमें रेड बल्ब नहीं मिल रहे थे, पुराने दौर में चले गए हम, तो हमने इसको बल्ब्स को कलर कर लिया। इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। पेपर में करना नहीं चाह रहा था फिर, क्योंकि आपको पता है वो एक खूबसूरती होती है लाइट्स की, वो चली जाएंगी। तो अब दिखाता हूँ आपको, ये इसकी टेल लाइट्स के कवर हैं जिसके ऊपर बल्ब्स आते हैं। इसका सारा क्रोम फेड हो चुका है, आप देख सकते हैं इसके अंदर क्रोम है ही नहीं, तो इसके लिए हमने सिल्वर क्रोम एक पेंट स्प्रे मंगवाया है, वो हम इस पर अप्लाई करेंगे और इसके जो शीशे हैं लाइट्स के उसकी भी जो एजेस हैं सारे उसको भी हम पेंट कर लेंगे। इसके अलावा जी एक मसला और है, मसला ये है कि ये इसकी पीछे की चिक रॉड है जो बैक पे आती है, बैलेंस रॉड कह लें जो भी कह लें आप, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं इसमें जो अल्ट्रेशन करके बुश को लगाया गया है ज़बरदस्ती, तो इसकी वजह से वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं पर माइनर सा झोल है गाड़ी के अंदर, क्योंकि आपको पता है गाड़ी की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जब आप मोड़ लेते हैं या किसी बम्प वाले एरिया से जाते हैं तो गाड़ी पीछे से इस तरह झोल सा लेती है, वो इन बुशेस की वजह से। वो भी हमने देखना है, ट्रेस आउट कर रहे हैं कि ये मिल जाए, अभी देखेंगे शायद कच्चा स्टॉप भी चले जाएँ इसके लिए, शायद वहाँ से कुछ सोर्स आउट हो सके, वो हम लगा लेंगे इंशाल्लाह। फर्दर इसके डोर्स की जो पिन्स थी वो ख़राब थी, वो खैरादी के पास हमने भिजवा के अगले दोनों डोर्स उतार दिए थे, वो हमने ठीक करवा लिए और करामत भाई ने वापस फिट कर लिया, वो आप देख सकते हैं डोर कार्ड्स उतरे में। दूसरी चीज़ ये मैनुअल थी, इसके शीशे जो हैं पावर नहीं थे, तो इस पर जैसे 88 करोला का प्रोजेक्ट चल रहा था उनने लगाया हुआ था, तो वायर डायरेक्ट की भी थी, अब हमने इस पर ये आप देख सकते हैं ग्रिप्स लगा दिए ताकि कल को कभी आपको डोर कार्ड्स उतारने पड़ें तो फिर ग्रिप कम से कम हो, वरना वायर आपको काटनी पड़ती है या खोलने पड़ते हैं सारे जॉइंट्स। ये टेल लाइट्स के हवाले से मैं जिक्र कर रहा था आपको, तो इसका ग्लास ऐसा है ये टोटली वाइट है, इसके लिए हमें फिर बल्ब चाहिए होते हैं कि कलर के बल्ब्स हों, और नासिर भाई हमारी हेल्प कर रहे हैं इसको वापस रीस्टोर करने में, इसको सैंडिंग कर रहे हैं ताकि प्रॉपर पेंट इस पर अप्लाई कर सके, बैठ सके थोरली। पहले असल में क्रोम का ही था पर आपको पता है लाहौर में जो है क्रोम चलता नहीं है, उसकी वजह से ये सारा ख़राब हो चुका है, तो अब इसको रिफ़्रेश करेंगे इंशाल्लाह, रिफ़्रेश होने के बाद आपको रिजल्ट दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज है नेक्स्ट डे, टोयोटा क्रेटा की रिगार्डिंग आपको दिखाते हैं, फ्रंट की जो जंपर रॉड्स हैं उसके बुश चेंज करने हमने, इसके अलावा फिर हमने देनी है डेंटिंग सेक्शन में गाड़ी, क्योंकि इसकी डोर्स की सेटिंग होनी है, और फर्दर इसमें हम ऐड ऑन कर लेंगे एक फोग लाइट्स फ्रंट पे, वायरिंग हमने कंप्लीट ले ली है विद बटन्स, तो वो अभी हमारे लिए उसामा भाई इंस्टॉल कर देंगे। ये देखें जी कम्प्लीट वायरिंग है, इसमें बटन्स हैं वो लग जाएंगे। इसके अलावा बैक की जो नंबर प्लेट है थोड़ी फैंसी सी लगी हुई है, मगर गाड़ी के हिसाब से ज़रा साइज़ छोटा है, फ्रंट पे ओरिजिनल है, तो फ्रंट के लिए कोई देखते हैं नंबर प्लेट फ्रेम मिल जाए, बैक वाली थोड़ी हम चेंज कर लेते हैं, बाकी ये छोटा सा स्पॉट है गार्निश पे, इस पर हम पेंट लगा लेते हैं, कलम वगैरह जहाँ पर अप्लाई करनी है वो कर लेंगे। ये पिलर का स्टीकर यहाँ से फटा हुआ है,
तो इसमें या तो पीस लगा लेंगे या ये पूरा पैनल स्पीकर का चेंज कर लेंगे। अभी कर रहे हैं, बैक की चिक जो है वो हमें मिली नहीं, तो फिलवक्त हमने फिट करवा ली, उस पर फर्दर वर्किंग करते रहेंगे, मिल गई तो लगा लेंगे। जी हमारी टोयोटा क्रेटा की लाइट्स, इस पर हमने क्रोम वाला स्प्रे किया है, स्प्रे बॉटल मैं आपको दिखा देता हूँ साथ। ये है इसका टॉप कवर यानी कि क्रोम, और ये है बॉटल, 550 रुपये की आती है ये वाली बॉटल। ये हमने इस पर अप्लाई कर लिया है, और ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। अंदर वाले आपको याद था ना कि क्रोम उसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था, सिल्वर स्प्रे करते तो उससे इस तरह की शाइन ना आ पाती, तो ये है कि अब हमारा ज़रा काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से जो ग्लास की तरफ आएगी। जी डेंटिंग सेक्शन में ये देखें जी, अब उसके दरवाज़ों की एडजस्टमेंट्स होनी है, बैक टेल लाइट्स लगाते हैं और छोटे मोटे काम है। बोनट पे दो छोटे से डेंट्स हैं, उसको हमने ड्राई डेंट भी करवा लेना है। विंडस्क्रीन में थोड़ी सी पानी लीकेज का इशू है, तो वहाँ पे हम सिलिकॉन डलवा लेंगे सफाई करवा के। इंजन ऑयल इसका ले आए हैं टोटल का 20-50 तकरीबन, इसमें आता है 4.25 लीटर, तो फ़िलहाल 4 लीटर लेके आए हैं, बाकी रिफ़िल हो जाएगा, जितना कम होगा टॉप अप करवा लेंगे। ऑयल और ऑयल फ़िल्टर के साथ तकरीबन हमारा एक्सपेंस ऑयल और ऑयल फ़िल्टर पे 5000 आ गया है। इसके अलावा बस अभी तक की अपडेट्स में यही है, फर्दर काम होता है तो आपको दिखाते हैं साथ। जी टोयोटा क्रेटा की अभी जो फ्रंट की लाइट्स हैं उसमें जो गैप्स हैं वो ठीक करने लगे हैं। कराऊँ भाई गैप्स किस टाइप के, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें। इसके अलावा जो है वो बेस भी सही नहीं है ज़रा सीधी, उस पर वर्किंग कर रहे हैं अभी करामत भाई, प्रॉपरली वो शो सेट हो जाएगी। इसके अलावा आपको नीचे ये नज़र आ रही हैं वायर्स, तो बेसिकली इसमें हम लगाने लगे हैं फोग लाइट्स, वो लगाते हैं करामत भाई आपको फिर दिखाते हैं हम। दरवाज़ों की सेटिंग हो गई है, लड़का अभी लगा रहे हैं हमारे इसके डोर कार्ड्स, दरवाज़ों के पैनल ड्राइवर साइड का वो आप देख सकते हैं लगा रहे हैं, पैसेंजर का भी रहता है लगा लेंगे। चारों दरवाज़ों की सेटिंग हो गई है, जो छोटी चिक चिक की आवाज़ें आती थी उधर स्टॉपर रबर लगा दिए। साइड पे हमने ये एक स्टिकर बनाया है, ज़रा खूबसूरत लग रहा है गाड़ी के साथ, कलर कम्बिनेशन भी सेम जा रहा है। इसके अलावा जी बैक टेल लाइट्स हमारी लग गई हैं, ये देखें फिनिशिंग इसकी माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई है। लाइट्स भी इसकी अब जो होती है रेड जल रही हैं वो आपको दिखाते हैं। ट्रंक पे हमारा गोला मिसिंग था तो हमने इधर स्टिकर लगा दिए ताकि सारी गाड़ी बैलेंस हो जाए। पीछे की नंबर प्लेट हमने नई बना ली है, इस्लामाबाद की जैसे आती है, पहले आ रही थी ये डिसकंटिन्यू हो गई है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए ब्लैक एंड वाइट और ग्रे थीम, ताकि सारी एक जैसी लगे। अभी आपको हम दिखाते हैं पार्किंग लाइट ऑन करें, पार्किंग लाइट ऑन करना, ये देखें जी माशाल्लाह से हम कामयाब हो गए, इसमें रेड हो गया हमारा और कलर भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है इसमें। ये देखें थोड़ी वो फंकी जैपनीज ओल्ड वाइब्स इसमें आपको मिलेंगी। फर्दर अब ये होती है फ्रंट से शो की फिटिंग, और बाकी सारे काम तो आपको दिखाते हैं हम।